अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, नजारे चेंज। सभी टनल के अंदर एंटर किया है, यहाँ पे तो माइनस में टेम्परेचर रहता है। अभी वहाँ से हमने एग्जिट किया, पीछे का लैंडस्केप देखो यार। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू व्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह और आप सभी देख रहे हैं परम ऑन व्हील्स। और फिलहाल मैं हूँ मनाली में। आज है 10 दिसंबर 2022 और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप लोग मनाली ट्रिप प्लान कर रहे हो इस साल तो, क्योंकि मैं आज आपको जिस रोड ट्रिप पर लेके चल रहा हूँ, जिस जर्नी पे आपको लेके चल रहा हूँ मनाली से, उसे आप मिस नहीं कर सकते अगर आप मनाली आ रहे हो तो। मैं आपको आज लेके चलूँगा सोलांग वैली होते हुए अटल टनल की तरफ। और अटल टनल क्रॉस करने के बाद जो लैंडस्केप देखने को मिलता है टोटली डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हम एंटर कर जाते हैं लाहौल वैली में। तो बहुत ही शानदार रोड ट्रिप होने वाली है, नज़ारे बहुत सुंदर होंगे। प्लस आप लोग किस तरीके से ट्रैवल कर सकते हो, इस रोड ट्रिप को किस तरह प्लान कर सकते हो, सारी डिटेल्स शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको स्नो पसंद है, विंटर्स पसंद है, तो ये वीडियो तो एकदम अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी स्नो देखने को मिलेगी एंड जो लैंडस्केप होगा वो तो अमेजिंग होगा ही, क्योंकि मैं बहुत बार होके आ रखा हूँ वहाँ पे। मेरी गाड़ी आ रखी है, आ गई है, टैक्सी बुक कराई है मैंने, वही बताऊंगा किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो सारी डिटेल्स। पहले चलते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सुबह के 9:30 बज चुके हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी मनाली से अटल टनल होते हुए एंड आगे देखते हैं फिर क्या होता है। और मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, आवाज़ मैनेज कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपना दिन, लेट्स गो। चलो तो गाइस हमने जस्ट अभी क्रॉस किया सोलांग वैली को, और सोलांग वैली क्रॉस करने के बाद ही आपका ये रास्ता आगे बढ़ता है अटल टनल की तरफ। और मैं अभी भैया से बात ही कर रहा था कि इस साल मतलब 10 दिसंबर आ गया बट अभी तक स्नो नहीं है, मतलब ऐसा इस साल हुआ है ना, मतलब होती है नहीं तो पहले पिछली बार होती थी, मतलब पिछली बार इस टाइम पर थी, मतलब लास्ट ईयर मैं भी नवंबर में आया था तब, मतलब अच्छी खासा था यहाँ। तो वही वाला सर जो मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग वही रहा है धीरे धीरे। तो यार सोलांग वैली में भी मतलब आपको स्नो मिल जाती है, एक्टिविटीज़ वगैरह आप एंजॉय कर सकते हो, एटीवी राइड्स वगैरह, पैराग्लाइडिंग वगैरह। हाँ, बट अभी तो है नहीं, मे बी इन दिसंबर एंड तक तो मिल जाएगी आपको ना। हाँ वो तब तक हो तो ऐसा है, बट हम आपको उससे और आगे लेके चल रहे हैं, स्नो दिखाएंगे और वो भी बहुत सुंदर जगह है। लैंडस्केप भी टोटल डिफरेंट हो जाएगा वहाँ तो। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, नज़ारे चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। ऊपर माउंटेन्स पे टॉप पे स्नो है और लैंडस्केप देखिए आप, पूरा चेंज हो चुका है। रोड कंडीशंस बहुत अच्छी है, इसके लिए मतलब हैट्स ऑफ बोलना पड़ेगा बीआरओ को, बीआरओ की वजह से इतनी हाइट पे रोड कंडीशंस बहुत शानदार है। सो गाइज वी हैव जस्ट रीच अटल टनल। ये टनल का जहाँ से एंटर करेंगे साउथ पोर्टल है, जहाँ से एग्जिट करेंगे लाहौल वैली में निकलेंगे वो होगा नॉर्थ पोर्टल। ठंड बढ़ गई है भाई यहाँ पे आती, और उस साइड तो और ठंड मिलेगी। एंड आप पीछे देख सकते हो मौसम देख के लग रहा है कि लाइव स्नोफॉल देखने को मिल जाए, होप फॉर दी बेस्ट। हाँ यहाँ पे आके मौसम चेंज हो गया, ठंड है भाई बहुत बहुत, मतलब अच्छी खासी ठंड है, ठीक ठाक ठंड है। और ये जो अटल टनल है इसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, 10,000 फीट के ऊपर बनी हुई हाईएस्ट टनल है, लॉन्ग ऑलमोस्ट 9.2 किलोमीटर समथिंग की टनल है ये। इसका ये है कि आप किसी वेदर में आओगे ना अलग आपको इसका मज़ा देखने को मिलता है ड्राइविंग का, गर्मी में आओगे तो अलग। अभी स्नो का टाइम है तो पीछे हल्की हल्की स्नो दिखाता हूँ आपको भी मैं, एंड फिर आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में, एंटर करते हैं एंड देखते हैं लाहौल वैली में इस टाइम पर कैसा वेदर अपने को देखने को मिलेगा, कैसा लैंडस्केप। सो गाइज हमने जस्ट अभी टनल के अंदर एंटर किया है, और ये 9 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, ऑलमोस्ट 9.2 किलोमीटर समथिंग। और अभी भैया बात ही कर रहे थे, मतलब बता रहे थे कि इसको बनाना इतना ईजी नहीं था,
काफ़ी सारे चैलेंजेस इसमें आए थे बनाने में। ऑलमोस्ट 10 साल का टाइम इसे लगा बनने में। ऑफिशियली पब्लिक के लिए 3 अक्टूबर 2020 में स्टार्ट करी गई थी ये। एंड जब आप एंटर करते हो तो पुलिस वाले होते हैं आपका, मतलब चेकिंग वगैरह कर लेते हैं वो गाड़ी की, इसमें क्या क्या फ्यूल वगैरह अलाउड नहीं होता ना इसमें, पेट्रोल वगैरह नहीं आप ला सकते। अच्छा, और गैस सिलेंडर। बाकी बात करें रोड की तो रोड कंडीशन इसमें बहुत ही शानदार है। इसमें काफ़ी सारे इमरजेंसी एग्जिट्स वगैरह भी हैं कोई इमरजेंसी की दिक्कत हो जाए तो। एंड जब भी आप इसमें प्लान करो ना आने के, वैसे देखो ये ऑल वेदर टनल है, 12 महीने ओपन रहती है, बनाई इसीलिए गई थी कि जो लाहौल वैली के लोग हैं विंटर्स के टाइम पे कट हो जाता था उनसे कनेक्टिविटी, क्योंकि रोहतांग से होकर जाना पड़ता था पहले। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है लोकल लोगों के लिए, अपने जो आर्मी उनके लिए भी, अब मतलब 12 महीने इस साइड जा सकते हैं, प्लस हम जैसे टूरिस्ट के लिए तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है। बस ये है कि बीच में अगर कभी स्नोफॉल ज़्यादा हो जाती है तो इसको एक दो दिन के लिए बंद कर देते हैं बीच में, हैवी स्नोफॉल पे, हैवी स्नोफॉल पे, बट 4x4 4x4 को अलाउ करते रहते हैं, ऐसा सीन रहता है विद चेन लगा के, चेन लगा ग्रिप बना रहता है। बाकी इसमें ये स्पीड लिमिट्स वगैरह लिखी हुई है 60 की, ये फॉलो करनी, ये तो फॉलो करनी पड़ती है, नहीं तो चलान। अच्छा, और नो ओवरटेक, नो हॉर्न। अब सही है यार, अब तो देखो एंजॉय करते चलो, क्या दिक्कत है, स्पीड लिमिट फॉलो करो, एंजॉय करते चलो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी हम निकलेंगे नॉर्थ पोर्टल से और लाहौल वैली में एंटर कर जाएंगे। सो गाइज, लाहौल वैली में एंटर कर गए टनल क्रॉस करके, और ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, एक तो मौसम एकदम ही अलग है, मतलब मनाली में अलग था और यहाँ एकदम डिफरेंट मौसम है। यहाँ पे तो माइनस में टेम्परेचर रहता है, अभी चेक नहीं किया मैंने। पीछे अपने टनल है, वहाँ से हमने एग्जिट किया, पीछे का लैंडस्केप देखो ऐसा कुछ है, हाँ एकदम डिफरेंट है। मतलब ये है कि अगर आप मनाली ट्रिप प्लान कर रहे हो ना तो ये रोड जर्नी ज़रूर ज़रूर करना, एक अलग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो ये जगह है ना लाहौल वैली, ये विंटर्स के टाइम पे 6 महीना कट रहती थी, क्योंकि आप देखो वो टनल है, पीछे से होके आना पड़ता था मैं रोहतांग पास क्रॉस करके टनल से पहले, और जो कि विंटर्स में हैवी स्नोफॉल की वजह से बंद हो जाता था, तो ये जगह कट हो जाती थी पूरी विंटर्स के टाइम पे। तो ये टनल लाहौल वैली के लोकल लोगों के लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और हम जैसे टूरिस्ट के लिए भी। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा लाहौल वैली में सिसु विलेज, एंड नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मनाली के पास सबसे ज़्यादा स्नो अगर आपको कहीं देखने को मिल सकती है तो वो लाहौल वैली में देखने को मिल सकती है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। अच्छी खासी बर्फ है, देखो पानी फ्लो रहा है, बर्फ के नीचे से फ्लो रहा है, मतलब ग्लेशियर बोल सकते हैं आप। ज़रा सा पैर फिसला, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। भैया आप बता दो कि मतलब कितने में बुक हो जाती है टैक्सी?